हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे जाकर के और अपनी तैयारी को सही दिशा की ओर ले जा रहे होंगे। आज एक बार फिर से आपका एकलव क्लासेस चौबेपुर, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, मैं आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए एबल पुरस्कार। दोस्तों, पहले एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जैसे आपका अभी इस टाइम नेवी SSR है, इंडियन एयरफोर्स है, इनके पेपर चल रहे होंगे जाकर के, तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जाकर के, तो दोस्तों आप लोग करेंगे क्या कि एक व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग उन प्रश्नों को भेजते रहे, तो जिससे मालूम चलता रहे कि क्या एग्जाम में पैटर्न उठ रहा है जाकर के। तो ये आपके व्हाट्सएप नंबर है जाकर के, तो 9519058150, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7408664849। तो इन व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेजते रहिएगा, जिससे मालूम चलता रहे क्या पेपर पैटर्न बनना जाकर के, तो दूसरे दिन जिसका पेपर लगा हो तो उसको थोड़ा सहायता मिल सके जाकर के। तो बाकी अब दोस्तों चालू करेंगे, आज आप लोगों के लिए एबल पुरस्कार लेकर के आए हुए हैं। एबल पुरस्कार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जाकर के, तो दोस्तों सीधे चालू करना चाहेंगे चल करके। तो एबल पुरस्कार की बात करेंगे, एबल पुरस्कार सबसे पहले कहां पे दिया गया, किस व्यक्ति को प्रदान किया गया, कब चालू किया गया, इसके अंतर्गत क्या राशि दी जाती है और किस देश में प्रदान किया जाता है, तो बहुत सारे इसके मानक होते हैं, सारा सब कुछ देख लेंगे चल करके। तो एबल पुरस्कार की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखेंगे, यह पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यह पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में ओनली दिया जाता है, और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। गणित का एक तरीके से बोल सकते हैं कि गणित के क्षेत्र का यह नोबेल पुरस्कार है। और याद रखिएगा, ये किसकी याद में दिया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये पुरस्कार नार्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल, जिनका निधन मात्र 27 वर्ष की आयु में 1829 ईस्वी में हुआ था, की स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। दोस्तों इसके बाद इस पुरस्कार के तहत पुरस्कृत गणितज्ञ को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, तो दोस्तों याद रखेंगे 60 लाख क्रोनर की राशि दी जाती है, क्योंकि आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया था और नॉर्वे की जो मुद्रा है वो क्रोनर है, तो वहां की मुद्रा में दिया जाता है, तो कितनी राशि दी जाएगी, तो 60 लाख क्रोनर की राशि दी जाएगी जो भी गणितज्ञ इसका विनर बनेगा जाकर के। और अगला है कि इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों याद रखेंगे 23 अगस्त 2001 को, जबकि पहली बार कब प्रदान किए गए, तो दोस्तों याद रखेंगे पहली बार प्रदान किए जाने का वर्ष 2003। अगली बात करेंगे कि यह पुरस्कार कहां दिया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। दोस्तों बात करेंगे कि एबल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था, और पहले व्यक्ति का नाम था तो किस देश से, अभी हाल ही में वर्ष 2019 का यह पुरस्कार किस व्यक्ति ने जीता है, तो सब कुछ देख लेंगे चल करके। बात करेंगे कि वर्ष प्रथम एबल विजेता का नाम याद रखिए जीन पियरे सेरे, और इनको कब दिया गया, तो याद रखेंगे 2003। अगली बात करेंगे कि वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसको दिया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे रॉबर्ट पी लैंगलैंड, जो कि अमेरिका के रहने वाले, और अभी हाल ही में वर्ष 2019 का यह पुरस्कार कारेन केसकुला, जो कि अमेरिका के रहने वाली हैं, इनको दिया गया जाकर के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों ना भूलें।